मुंबई स्थित मलाड पश्चिम पटेलवाड़ी मैदान में मच्छीमार सेल उत्तर मुंबई अध्यक्ष प्रमोद वैती के नेतृत्व में छाता वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे प्रवक्ता महाराष्ट्र भाजपा व पूर्व नगर सेवक विनोद शेलार की उपस्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क छाता वितरित किया गया। बारिश को देखते हुए प्रमोद वैती ने यह निर्णय लिया कि भाजपा के मंच के नीचे वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क छाता वितरित किया जाए। इसी छाता वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को छाता वितरित किया गया कि उनका बारिश से बचाव हो सके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे रघुनाथ कुलकर्णी, जितेंद्र शर्मा, प्रदीप शिंदे, बिरजू कुमार, रवि जगदीश, मनीष सिंह, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक का, देखें मुंबई से खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा और साई प्रबोधन ट्रस्ट के माध्यम से ये मलाड के सभी वार्डों में छाता डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया गया और स्पेशली ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया और इसीलिए उनके लिए लंबा छाता दिया कि वो सपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक, कमजोर वर्गों तक उनके विषय को अपना विषय समझ के सेवा कार्य में पूरे साल भर काम करती है, इसका ये पार्ट है। हम समझते हैं वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी के माँ बाप है, वो डायरेक्ट हमारे माँ बाप नहीं हो सकते लेकिन किसी के माँ बाप है तो हमारे लिए भी माँ बाप जैसे ही है और उनके प्रति एक छोटा सा उपहार हम ये दे रहे हैं, जिसका कारण ये पूरे वार्डों में अभी तक करीबन 4,500 छाते बढ़ चुके हैं। 7 कार्यक्रम हुए, अभी मैं 8वें कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ तो ये कार्यक्रम की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सर, कितना छाता वितरण किया गया है? अरे अभी तो बोला भाई 4,500 छाता हो गया। नहीं, और अभी कई वार्डों में अभी और करना है जो कि हमने भी नहीं, अभी एक ही वार्ड में बाकी है और वो करेंगे तो 4,000 हमारे पूरे हो जाएंगे, 4,000 क्रॉस हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो निशंक चुन के आएगा, इसके मन में कोई संदेह नहीं है और वो थंपिंग मेजोरिटी से चुन के आएगा। योगी जी का प्रतिभा, देवेंद्र जी की प्रतिमा और यहाँ के लोगों का, मलाड़ का जो लोगों के बीच जाकर किया हुआ काम और उसके ऊपर गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई में और स्पेशली मलाड़ विधानसभा में किए हुए प्रयास, ये सबकी वजह से थंपिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी। सर, मालवनी के जो रोड है कहीं ना कहीं गड्ढे भी है, गड्ढे के साथ साथ जो है काफी कचरा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? भाई रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड है, ये हमारे विधायक जी की देन है कि आज सब जगह कूड़ा कचरा दिखता है, पानी की समस्या दिखती है, गटर की समस्या है, ट्रैफिक एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक जाओगे तो उसी टाइम में आप चर्चगेट पहुंच सकते हो, इतना ट्रैफिक होता है। हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है और हर जगह कचरा कूड़ा, मार्केट की नॉन अवेलेबिलिटी। तो सही मायनों में ये मलाड़ विधानसभा हजारों समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन एमएलए साहब मजा कर रहे हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पर है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार दिन में कम से कम 4 या 5 जो है कार्यक्रम करते हैं, कहीं ना कहीं पार्क उद्घाटन हुआ, कई मतलब ऐसा कई का तमाम है, लेकिन बाकी पार्टी की बात करें कुछ मतलब आता नहीं उनकी तरफ से जवाब? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के हिसाब से काम नहीं करती, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर, देखो अभी कोई चुनाव है क्या, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले मंदिर का काम हमने करवाया, ये इधर जिधर हम खड़े हैं ये पूरा कोबे का काम हमने करवाया, प्राइवेट डोनेशन में यहाँ पर शंकरवाड़ी में टॉयलेट बनाए प्राइवेट डोनेशन में। गोपाल शेट्टी जी ऐसे ही एमपी है जो गवर्नमेंट के फंड से तो काम करते ही है लेकिन प्राइवेट फंड से भी 500 टॉयलेट उन्होंने बनाए। तो यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, चुनाव पक्ष बाद में लोगों की सेवा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सत्ता भी हमारे लिए सेवा का माध्यम है। तो बाकी पार्टी और बीजेपी के सोच में फर्क है, हम सतत काम करते हैं। कोविड में हमने कितना काम किया, कोविड में मैंने कम से कम 45 टन अनाज बांटा होगा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर 150 टन तक अनाज बांटा, कई काढ़े बांटे, वैक्सीनेशन कैंप किया, आरसेनिक की गोलियां दी, सब कुछ किया। और आप देखें यहाँ के विधायक इधर बंगलों में रहते थे मढ़ में, स्पेशली 2 महीने 6-8 महीना यहाँ से भाग ही बाहर ही नहीं आए, तो यही फर्क है। और बीजेपी के लोग
रोज आम लोगों में घूम रहे थे, हमारे से में कितने लोगों को कितना बार कोविड हो गया, लेकिन फिर भी हम काम में रत रहे, यही हमारी विशेषता है। आज माला मालवाड़ी के क्षेत्र में ये महानगर पालिका का वार्ड नंबर 32 है। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के प्रवक्ता और हमारे मित्र जो सालों से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही दिल से काम करते हैं, ऐसे हमारे मित्र विनोद शेलार जी ने इस बस्ती में खास करके न केवल छतरी वाटप का काम किया है, उसके अलावा पिछले 4-5 साल से विनोद यहाँ पे आके यहाँ की जो भी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब हम खड़े हैं तो पहले कुछ साल पहले यहाँ पे पूरा पानी भरता था, कीचड़ होता था, लेकिन उसने आवश्यकता ध्यान में रखकर विनोद ने यहाँ पे एक अच्छा छोटा सा ग्राउंड बनाया ताकि पटेलवाड़ी के बच्चे यहाँ पे खेलते रहे, उनको खेलने की खुशियाँ मिले। साथ में ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भी 4-5 साल पहले बहुत ही जीर्ण अवस्था में था, लगभग पड़ने जैसा था, लेकिन विनोद ने खुद यहाँ पे आके सारे पटेलवाड़ी के रहवासियों से बातचीत की और मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज ये मंदिर अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ इस मंदिर के शेड में अनेक उत्सव होते हैं, पटेलवाड़ी के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। यहाँ पे विनोद ने और अच्छी सुविधा के दृष्टि से अच्छे टॉयलेट्स का भी निर्माण किया। यहाँ पे शौचालय की कमी थी, विनोद शेलार ने ये शौचालय की कमी यहाँ के जो हमारे सांसद है गोपाल शेट्टी जी उनके माध्यम से उनका सहकार लेकर इस पटेलवाड़ी बस्ती में लगभग 15 से ज्यादा अच्छे शौचालय का निर्माण किया। इसलिए विनोद को मैं धन्यवाद देने आया हूँ और विनोद का ये काम देखने के लिए आया हूँ। भारत माता की जय। ये आज का छाता वितरण का कार्यक्रम है। ये हमारे मुंबई के सचिव विनोद शेलार जी के मार्फत से रखा गया था। ये वार्ड क्रमांक 32, ये 4 भाग मलाड में आते, 4 भाग बोरोली में जाते और बाकी के भाग चारकोप में जाते, ऐसा ये वार्ड है। 4 आमदारों का ये 32 नंबर वार्ड है। आज विनोद शेलार जी के प्रयत्नों से आज गरीब सीनियर सिटीजन इनको आज छतरी वाटप करना किया गया है और हमारे सारे कार्यकर्ता इसमें 2 दिन से मेहनत करके घर घर जाके सीनियर सिटीजन को फॉर्म दिया, उनसे आधार कार्ड लेके उनको आज छतरी वाटप का कार्यक्रम किया गया और रघुनाथ कुलकर्णी जी आज अपने छतरी वाटप के कार्यक्रम में थे, विनोद शेलार जी थे और बहुत शानदार कार्यक्रम हो गया। मैं विनोद शेलार जी और हमारे माननीय गोपाल शेट्टी जी, योगेश सागर जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं ऐसे कार्यक्रम करने में। हम लोग यहाँ पे तो काफी खुश हैं। शंकरवाड़ी, पटेलवाड़ी, चिक्कूवाड़ी और मुरुम खान, ये 4 एरिया ने इस छाता वितरीकरण का लाभ लिया हुआ है और ये हर साल की तरह हम लोगों को जैसे कि सहयोग प्रमोद वैती जी करते हैं, कोई भी चीज़ों को लेके हम लोगों का अगर कोई भी विपत्ति हो या कोई भी तकलीफ हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, बीएमसी का हो, और हर एक चीज़ में हमें हमारी कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को सहयोग करते हैं। और यहाँ का जो भी विकास है अगर मैं देखता हूँ तो ना ही नगर सेवक ने किया है ना ही विधायक ने किया है, क्योंकि यहाँ पर ना ही हमारे विधायक है ना ही नगर सेवक है। उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पे गिनाने भी जाऊँ तो अनेकों काम जो कि गरीब लोगों के लिए चाहिए वो सारे काम विनोद शेलार जी के माध्यम से और गोपाल शेट्टी के माध्यम से और प्रमोद वैती जी के प्रयत्नों से हमेशा यहाँ पे हम लोगों को 4 चांद लगा रहता है। जैसे कि मेन रोड सीसी रोड बनाया है हम लोगों के यहाँ पर, पटेलवाड़ी से लेकर शंकरवाड़ी तक का एक सीसी रोड बना के दिया है, प्ले ग्राउंड बना के दिया है, प्ले ग्राउंड जो कीचड़ हमेशा रहता था उसको सीसी रोड की तरह एकदम कोबा करके दिया है, 2-2 शौचालय बनाए हैं पटेलवाड़ी के अंदर और शंकरवाड़ी में भी कुछ कमी नहीं रखा है, कम से कम 9 गलियों का काम किया है विनोद शेलार जी ने और 2 अच्छे बाथरूम बना के दिए हुए हैं जहाँ पे मतलब कि लोग
भूमाफियाओं को अगर बोले तो हमेशा जगह हड़पने की जो कोशिश करते हैं उसका भी निष्कर्ष निकाल कर वहाँ पे बाथरूम बना के दिया है। और हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए हमारे भाजपा के प्रतिनिधि लोग हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और हम लोगों को सहयोग करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे महिला मंडल के भी काफ़ी सहयोग रहते हैं यहाँ पे, और हमेशा प्रीति गार्गी जी जो आती है हमारे यहाँ पर, प्रीति गार्गी जी है, अवंतिका जी है, सुशीला मल्ला जी है, इंदु जी है, ये सभी लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता है अलेक सिंह जी, बिरजू रवि बोईते, प्रदीप शिंदे, राजू कामले और पवार साहब, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं ने मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर लोगों को बेनिफिट्स मिल सके ऐसा हमेशा योगदान देते रहते हैं।